नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए सूचना लेकर आए हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं, आप लोगों को डेली क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको बता दें, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी आपको क्लियर करके बताएंगे। आपको ले चलते हैं पहले ऑफिशियल PDF पर और बताते हैं कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको बता दें फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एक और चैप्टर मिलेगा आपको, फॉर्मेटिंग और मेल मर्ज, ये सारे के सारे चैप्टर आपको बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के ही हैं। और ठीक, और हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इन सभी का क्लास लेने के बाद आपको MCQ लेकर आएंगे। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज SP के बारे में और उसके MCQ लेकर आया था, 50+ MCQ थे, आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा। सारे के सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा, और जो आपका PDF है वो भी हमने अपने बुक से तैयार किया है, तो हमारे बुक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया गया है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि क्या क्या बातें बताने वाले हैं बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम ऑफिशियल सिलेबस पर आ चुके हैं। हालांकि ये लगभग 10 या 12 पेज का होगा जो कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर हम केवल आपको वही इंपॉर्टेंट बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डिफाइन फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। तो 2007 में 2003 के 2003 विंडोज 2003 के जो माफ़ कीजिएगा, जो 2013 था उसके तुलना में 2007 यानी 2007 में 2007 में क्या नए फीचर आए हैं उनको पढ़ना है। सबसे मेन टॉपिक क्या न्यू फीचर्स ज्वाइन किए गए थे 2003 के अकॉर्डिंग 7 में, ये पढ़ना है। और एक्सप्लेन बेसिक मेन्यू डिटेल्स ऑफ 2007। तो जो 2007 के बेसिक मेन्यू हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल करना है। तो पूरा हम आपको चार्ट दे देंगे, ठीक, पूरा मेन्यू का चार्ट ही पड़ा है मेरे पास, अपने बुक से हमने स्कैन करके बनाया आप लोगों के लिए। और क्रिएट सेव एंड प्रिंट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, तो कैसे आप लोग एक नया डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेव करेंगे और कैसे उसको प्रिंट करेंगे, मल्टीपल पेजेस कैसे प्रिंट करेंगे, सिंगल पेजेस कैसे प्रिंट करेंगे, सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी और आपके सिलेबस में दिया गया है। यही चीजें आपको पढ़ना है, इसके अदरवाइज कोई भी आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। प्रोटेक्ट आवर डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो आप लोग किसी भी पेज पर प्रोटेक्ट पासवर्ड यानी कि पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं कि कोई और एक्सेस ना कर सके, कोई और ना पढ़ सके। मैनेज वर्ड फाइल्स एंड देयर प्रिंटिंग, और वर्ड फाइल्स को कैसे आप लोग मैनेज करके प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल पेजेस या फिर बहुत सारे पेजेस यहां पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने PDF पर, वहां पर बताते हैं। उससे पहले यहां पर जो न्यू फीचर्स आए हुए हैं 2007 के बारे में, चलिए आपको बता देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स फास्ट यूजिंग ब्यूल्ट इन एंड कस्टम टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए आप लोगों को एक टेम्पलेट दिया गया है। यू कैन ईजिली मैनेज लार्ज डॉक्यूमेंट्स, आप लोग लार्ज डॉक्यूमेंट्स ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एंड क्रॉस रेफरेंस, ये आपको कुछ न्यू फीचर्स दिए गए हैं। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पर वर्क कर सकते हैं। और विथ द हेल्प ऑफ मेल मर्ज यू कैन क्विकली क्रिएट, तो मेल मर्ज क्या हेल्प ले सकते हैं, और मेल मर्ज से आप लोग लेटर सेंड कर सकते हैं एक साथ कई लोगों को। तो ये आपको मेल मर्ज का चैप्टर भी अलग से आपको मिलेगा आगे चल के। और आप लोग देख पा रहे हैं ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट फीचर्स, तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑटो करेक्ट ऑटो फॉर्मेट फीचर्स यहाँ पर दिया गया, जैसे कि बहुत सारे वर्ड टाइप हैं और इसमें से कौन सा वर्ड मिस्टेक है, कैसे आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। द प्रिंट जूम फैसिलिटीज एक्सेल डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स को जूम करके यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक, ये दिया गया है। और द नेस्टेड टेबल्स फीचर्स सपोर्ट्स पुटिंग वन टेबल्स इनसाइड अनदर टेबल्स, एक टेबल से दूसरे टेबल्स में कैसे जाते हैं, यहाँ पर ये भी बताया गया है। एक नया फीचर्स आप लोगों के 2007 में जोड़ा गया था। यू कैन स्पोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फाइल्स XPS फाइल फॉर्मेट, तो आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो सारे के सारे न्यू फीचर्स जो हैं ज्वाइन किए गए हैं, तो चलिए आपको इनको डिटेल में बताते हैं, वहाँ पर ले चलते हैं अपने PDF पर।
जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे द्वारा तैयार किया गया ये पीडीएफ है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। वर्ड प्रोसेसिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है रन करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि टेस्ट पैराग्राफ को तैयार करने और उस पर मॉडिफिकेशन करने में इस्तेमाल होता है। और यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक एप्लीकेशन के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 7 एवं 10 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, आपका जो पूछा जाएगा 2007 के बारे में ही आपके सिलेबस में आएगा, तो आपको केवल 2007 ही पढ़ना है। ठीक, 2003 और 10 को यहाँ पर इग्नोर कर देना है। हमारे बुक में तीनों वर्जन हैं तो आपको नहीं पढ़ना है, केवल केवल आपको 2007 ही पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में 2007 ही आएगा, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दीजिए, देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक, तो 2007 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 के बारे में बताया गया, इसको हम इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। 2007 और 10 आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 2003 के तुलना में 2007 में बहुत सारे न्यू फीचर्स आए थे, और 2007 और 10 में क्या डिफरेंट है इसका भी हम आपको बता देते हैं। तो 2007 में आपको यहाँ पर ऑफिस बटन देखने को मिल जाएगी, और जो कि ऑफिस बटन के अंदर आपको न्यू सेव एज, सेव फाइल, प्रिंट, प्रीव्यू, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ऑफिस बटन में देखने को मिल जाएगा। और 2010 में आपको यहाँ पर जो ऑफिस के अंदर जो फीचर्स आते हैं वो आपको फाइल बटन में देखने को मिल जाएगा। यही डिफरेंट है 2010 और 7 में। और भी कुछ फीचर्स हैं लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है 7 और 10 में, पर बट क्या है कि 3 और 7 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक, तो 2007 ही यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले 2007 में ऑफिस बटन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, 10 में क्या है कि फाइल बटन होती है, तो हमें 10 से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो न्यू फीचर्स आपके 2007 में ऐड किए गए थे, जैसे कि रिबन हुआ, टूल बार्स, ये आप लोग देख पा रहे हैं रिबन हुआ जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जूम की फैसिलिटी दी गई है, जो जूम जूमिंग ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं व्यू बटन से दिए गए थे यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स एरिया आप लोगों की ये है। ठीक, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को एक और न्यू फीचर्स दिया गया था जो कि वो है क्या है कि हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है, जैसे कि हम आप पेज को स्क्रॉल बार जिसे कहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रॉल बार आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक न्यू फीचर स्क्रॉल बार भी आपको देखने को मिल जाएगा 2007 में। ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2007 में क्या न्यू फीचर्स लाए गए हैं। यदि आप वर्ड 2003 का प्रयोग कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि 2007 में ओल्ड मेनू सिस्टम के स्थान पर रिबन तथा ऑफिस बटन, फाइल टैब का प्रयोग किया गया है। तो ये फाइल टैब 2010 के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, हमको यहाँ पर रिबन और ऑफिस बटन से मतलब है। और 2003 में आप फाइल मेनू पर क्लिक करके न्यू, ओपन, सेव, सेव एज तथा इत्यादि कमांड्स का प्रयोग करते थे, जबकि 2007 में आपको क्या करना होगा, फाइल के स्थान पर ऑफिस बटन पर जाना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिस बटन पर जाना होगा, वहां पर आपको फाइल टैब के अंतर्गत उक्त कमांड प्रदर्शित किए जाएंगे जो कि न्यू, फाइल, सेव, सेव एज वगैरह सारे की सारी चीजें आपको मिलेंगी। 2007 में आप लोग देख पा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंतर्गत आप सेव, अंडू एंड रीडू बटन सबसे ऊपर की तरफ प्रदर्शित होते हैं, जिनका आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करने और रीडू एवं अंडू करने हेतु कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे आप लोग ओपन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का है कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैसे आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो सभी का मेथड एक ही है, स्टार्ट बटन पर जाएंगे और प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और 2007 को ओपन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2007 ही हमें पढ़ना है। और आप लोग देख पा रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ओपन करने के लिए आपको जो भी चीज़ें हमने बताई वही करना है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं द डॉक्यूमेंट्स विंडो कंटेंट्स नंबर कंपोनेंट्स दैट आर डिस्क्राइब बिलो, तो कुछ यहाँ पर टाइटल बार्स और यहाँ पर देख पा रहे हैं इंसर्ट पॉइंट्स मीनू और टूल बार, स्टेटस बार, इन सभी को पढ़िएगा। अब यहाँ पर रूलर बार जो कि न्यू फीचर्स आपके इसमें ऐड किया गया, तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं चलिए आपको बताते हैं। द बार एट द टॉप हॉरिजॉन्टल एंड साइड वर्टिकल ऑफ द पेज द शोज द मर्ज इंडेट एंड टैब सेटिंग्स ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर्स इंडेट यूज फॉर वर्ड रैपिंग सेटिंग। तो ये जो रूलर था इसमें जैसे कि आप पेज की सेटिंग कर सकते थे, कितना एरिया में आपको टाइपिंग करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, और वर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, ये रूलर बार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर एक और बता देते हैं, व्यू बटन्स, जो व्यू बटन्स है न्यू फीचर्स
माउस पॉइंटर भी देखने को मिल जाएगा। माउस पॉइंटर चार्जेस सेप व्हेन इट पेसेस ओवर सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें बता देते हैं बुक में नहीं बताएंगे, ठीक, जो नेक्स्ट वाली बुक है इंग्लिश वाली। और यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइव व्यू बटन्स आर नॉर्मल, तो व्यू बटन में आपको फाइव बटन्स मिल जाएंगे, ठीक, और जो कि वे लेआउट व्यू होगा। आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी बटन है, इनका नाम दिया गया है। प्रिंट लेआउट व्यू होगा, आउटलाइन व्यू होगा, रीडिंग लेआउट व्यू होगा, द व्यू बटन्स आर एट द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया था। वर्टिकल रूलर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रिंट लेआउट, रीडिंग एंड आउटलाइन व्यू हैविंग नो एनी रूलर्स इन आउटलाइन व्यू। आउटलाइन टूल बार्स अपीयर हैविंग प्रमोट, डिमोट, मूव अप, मूव डाउन, और आप सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं व्यू बटन में, ठीक। उसके बाद टास्क पेन, नेविगेशन पेन भी यहाँ पर एक न्यू फीचर्स दिया गया था आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन टू मीनूज बार्स 2003 तो हमको पढ़ना ही नहीं है, आगे चलना है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पर। तो आप लोग जैसे टूल बार्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इनकी डिफिनेशन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि स्टैंडर्ड्स जो टूल बार्स होते हैं टूल बार्स में क्या आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार्स, तो आप लोगों का फॉर्मेटिंग का न्यू चैप्टर दिया गया है, वो भी हम आपको न्यू चैप्टर ज्वाइन किया गया है नेक्स्ट में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 2007 और 10 का डिफरेंट दिखाया गया है, तो ये 2007 है, ठीक, ये 10 है, तो 10 हमें नहीं पढ़ना, यहाँ पर 7 देखना। और 7 में आप लोग देख पा रहे हैं ऑफिस बटन का यूज किया है, और 10 में फाइल टैब का यूज किया, यही डिफरेंट था। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑफिस बटन कैसी होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं देखने को बताया जाएगा। यहाँ पर ऑफिस बटन ये देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये आपकी ऑफिस बटन है, ठीक। यहाँ पर क्लिक करके आपको सारे फंक्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू, सेव, सेव एज, और ये आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक। और इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2010 के बारे में बताया गया है, तो ये वाली जो लाइनें इधर की हैं ये 2007 है। तो आप लोग 7 को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। न्यू फाइल कैसे न्यू करेंगे, थ्रॉट न्यू यू कैन गेट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आर ब्लॉक पोस्ट। तो आपको बता दें जब न्यू पर आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आपको मिल जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी में बताया गया है। और ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, सेव एज क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर प्रिंट सेव एज, सेव और सेव एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ठीक, ये आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे सेव किसे कहते हैं, जब आप एक्टिव डॉक्यूमेंट फाइल में किए गए परिवर्तन को वर्तमान फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक। अब सेव एज का क्या मतलब है कि सेव एज के द्वारा किसी भी फाइल के नाम, लोकेशन एवं फॉर्मेट को बदल सकते हैं। F12 शॉर्टकट की है इसकी, तो सेव एज की F12 शॉर्टकट कीजिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंट कैसे करेंगे, और आप लोग देख पा रहे हैं सारी बातें यहाँ पर डिफिनेशन से बताई गई है। पब्लिश, क्लोज, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं दिस डिस्प्ले एट लिस्ट ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बताया गया, ये 10 के बारे में बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं, रिसेंट फाइल्स ओपन एंड यूज में पिन द फाइल नेम यूज टू द लिस्ट, यह कमांड हाल में इस्तेमाल हुए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को प्रदर्शित करता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक। वर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एग्जिट वर्ड मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब पढ़ना क्या है 2007 में, देख पा रहे हैं सबसे पहले जो आप लोग देख पा रहे हैं जो ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इन सबको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। टैब, होम को टैब कहेंगे, इंसर्ट को टैब कहेंगे, पेज लेआउट को टैब कहेंगे, रेफरेंस को टैब कहेंगे, मेलिंग्स को टैब कहेंगे, प्रीव्यू को टैब कहेंगे, व्यू को टैब कहेंगे, ठीक। अब इन टैब के अंदर क्या क्या कमांड आने वाले हैं, क्या क्या टूल्स आते हैं, उनको हम कमांड कहेंगे। जैसे कि क्लिपबोर्ड हुआ, फॉन्ट हुआ, पैराग्राफ हुआ, स्टाइल हुआ, ये कमांड हुए, होम के कमांड हुए, ठीक। होम टाइप के ये कमांड हुए, क्लिपबोर्ड क्या है, फॉन्ट क्या है, पैराग्राफ क्या है, स्टाइल क्या है, एडिटिंग क्या है, ठीक। और ये सब चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग और ये क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टैब टैब के अंतर्गत आने वाली कमांड है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि क्लिपबोर्ड जो टूल्स होता है, क्लिपबोर्ड जो कमांड होता है, वो किस टैब के अंदर आता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली बताना है कि वो होम टैब के अंदर आता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको चूज करने होंगे, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा जो पेस्ट होता है, पेस्ट किसके अंदर आता है, तो आपको बताना होगा कि सिंपली होम टैब के अंदर आता है, क्लिपबोर्ड कमांड में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पैराग्राफ
पैराग्राफ, अगर आपसे पूछ लिया गया कि पैराग्राफ किस टाइप के अंदर आता है, तो आपको जवाब देना होगा होम टाइप के अंदर आता है। तो सभी टाइप के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिफिनेशन करके बताया गया है, किसी भी बुक में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ना कि आपको कोई बताएगा। ठीक, इंसर्ट टाइप जैसे आ गया, अब इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आपको कौन कौन से कमांड आते हैं, तो आप सिंपली बताएंगे पेज आता है, टेबल्स आता है, और आप लोग देख पा रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन आता है, और आप लोग देख पा रहे हैं आगे देखेंगे लिंक्स आता है, हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो हेडर, अगर आपसे पूछ लिया गया कि हेडर और फुटर जो टूल्स होता है, जो कमांड्स होता है, किस टाइप के अंदर मिलता है, तो आपको जवाब देना होगा इंसर्ट टाइप के अंदर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसी तरह पेज लेआउट के बारे में बताया गया, रेफरेंस के बारे में बताया गया है, मेलिंग टैब्स के बारे में बताया गया, फिर रिव्यू टैब्स के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अब कैसे क्या ओपन करेंगे इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है 2007 में, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे, न्यू पेज कैसे लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगर आपको 2007 में जाना है, तो हमको 2007 ही पढ़ना है, 10 और 3 से मतलब नहीं, ये 10 है क्योंकि यहाँ पर फाइल बटन का यूज किया गया है, ये 3 है क्योंकि यहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाएगा, ये आपका देख पा रहे हैं ऑफिस बटन है, ये 2007 है। 7 में कैसे ओपन करेंगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया, गो टू फाइल टैब इन एमएस एक्सेल 2007, आप लोग देख पा रहे हैं क्लिक न्यू और डबल क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप लोग देख पा रहे हैं ये एक्सेल लिख दिया गया है, यहाँ पर ऑफिस एमएस वर्ड होना है। ठीक, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं आफ्टर दिस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स विल बी क्रिएटेड विथ ए डॉक्यूमेंट्स एरिया यू मे गो टू अहेड एंड स्टार्ट टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग देख पा रहे हैं एक न्यू पेज लेने के बाद आप लोग वहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करके एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन इसकी स्टार्ट की होती है। आप देख पा रहे हैं ऑफिस बटन फाइल टैब पर क्लिक करके एम एस वर्ड 2007 में जाएंगे और आप न्यू क्लिक करके देंगे, आपको न्यू पेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब सेव कैसे करेंगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग जाएंगे क्लिक सेव बटन ऑन द, तो सबसे पहले आपको क्या होना 2007 में ऑफिस बटन पे जाना है। ठीक, ऑफिस बटन पर जाने के बाद क्लिक सेव पर क्लिक कर देना है, और सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा सेव होकर आ जाएगा, टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड देन क्लिक सेव, आपको नेम टाइप कर देना है डॉक्यूमेंट्स का और सेव कर लेना है इस तरह से। ठीक, तो कंट्रोल प्लस एस इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पर बताया गया सेव एज के बारे में बताया गया कैसे आप लोग सेव एज करेंगे 2007 में, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे समझाया गया, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। सेव एज कैसे करना है, फाइल ऑफिस बटन पर आपको जाना है। ठीक, और वहां पर आपको करना क्या है, आप सेव एज पर क्लिक करेंगे और वहां पर क्विक एक्सेस टूल बार स्थित सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करेंगे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं 2007 में कैसे बताया गया, ये आपकी ऑफिस बटन है यहां पर दिखाया गया है। तो कैसे करेंगे आप लोग, गो टू ऑफिस बटन पर जाएंगे और उसके बाद आपको करना क्या होगा, क्लिक क्लोज पर क्लिक करना है, योर एक्टिव डॉक्यूमेंट्स फाइल विल बी क्लोज, इट क्लोज हो जाएगा, और यहां पर हिंदी में भी बताया गया है फाइल बटन पर जाना है ऑफिस बटन पर। तो ये आप कैसे पहचानेंगे फाइल बटन कौन सी, ये देख पा रहे हैं ये फाइल बटन है। ठीक, तो आपको 2007 ही पढ़ना है। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे आप ओपन करेंगे, कैसे एग्जिट होंगे डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पर भी ये बताया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले सिंपली आपको करना क्या है, फाइल टैब पर जाना है, यानी ऑफिस बटन फाइल टैब है 10 का, हमको ऑफिस बटन पर जाना है 2007 पर, ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक, सिंपली आपको करना क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। अब इन सभी चीज़ों की मदद से आप जैसे कि डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे एग्जिट होंगे, कैसे क्या है कि न्यू पेज ओपन करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप न्यू पेज सिंपली लेंगे और वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स एरिया होता है वहाँ पर जाकर टाइपिंग करेंगे और आपका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा। अब चलिए आपको ले चलते हैं आपके जो बुक पर जो भी चीज़ें आपके यहाँ पर छूटती हैं वहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा न्यू फीचर्स के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फीचर्स ऑफ 2007 के बारे में, जैसे रिबन क्या है तो हमने आपको बताया, और रिबन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे क्या होम इंसर्ट पेज, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, कैसे आप पढ़ेंगे इसको। आप लोग जाइए होम इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू व्यू, इनको टैब्स कहते हैं, और टैब्स के अंदर क्या क्या कमांड आते हैं आप लोग इसको जरूर याद रख लीजिएगा, यही क्वेश्चंस आप लोगों से ज़्यादा उठाए जाएंगे। ठीक, स्टार्टिंग एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। वर्ड स्क्रीन लेआउट क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया टैब या टास्क, इसको टैब या टास्क कहते हैं। होम इंसर्ट पेज लेआउट, रिव्यू, मेलिंग्स, रिव्यू व्यू को जैसे हमने आपको बताया, ये आप लोग देख पा रहे हैं टास्क बार होता है, और टास्क
टास्कबार के अंदर आपके टैब्स आते हैं, ठीक। ये कमांड्स होते हैं जिसके हमने आपको बताया कि फॉन्ट और पैराग्राफ और ये स्टाइल्स एडिटिंग, ये कमांड्स के अंतर्गत आते हैं। कमांड इनको बोलता है कि होम टैब की एक कमांड है, जैसे कि होम टैब यहाँ पर ओपन है, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दिखाया जा रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं सब। और ये जो चीज़ें होती हैं टास्क, ये सब टास्क होती हैं यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर मीनूज बताया गया है, हमने आपको बता दिया है क्या क्या मीनूज होती हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इनको मीनूज भी कहते हैं और टैब्स भी कहते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जब आएंगे तो शॉर्टकट मीनूज आपको बताया गया है, कैसे शॉर्टकट मीनूज पर आप लोग जाकर हेल्प कर सकते हैं, शॉर्टकट मीनू पर जाकर आप ओपन कर सकते हैं। टूल बार्स के बारे में बताया हमने आपको, सब पहले ही बता दिया है, वहाँ पर आप पीडीएफ में देख लेंगे। रूलर्स क्या है, तो आप लोग देख पा रहे हैं रूलर्स आपको किस टैब के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं व्यू टैब, हमने आपको बताया ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्यू टैब के अंदर आपको रूलर देखने को मिलेगा, ये आपका व्यू टैब हुआ। और ये आप लोग देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्केल हुआ और ये वर्टिकल स्केल हुआ, ठीक। ये रूलर जो होता है और इसका यूज क्या किया जाता है, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। बताया गया है कि द रूलर्स डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स दैट रिफ्लेक्ट द विथ एंड हाइट, विथ एंड हाइट आप लोग देख पा रहे हैं लंबाई और चौड़ाई ऑफ योर टाइपिंग एरिया, जो टाइपिंग एरिया होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई आप रूलर की मदद से बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक। अब आगे देख पा रहे हैं टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट दिया गया है। माउस पॉइंटर के बारे में आपको पहले ही बताया, इंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेकर कैसे इंड करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या चीज़ें हैं आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का जो स्क्रॉल बार होता है इसका क्या यूज करेंगे, द डबल डाउन एरो अलाउज यू टू मूव टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर द सिंगल डाउन एरो स्क्रॉल थ्रॉट द डॉक्यूमेंट्स लाइन बाई लाइन, इसको पढ़ सकते हैं या टॉप पेज या बॉटम पेज पर जा सकते हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं कैसे की जाती हैं, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार से, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट से आप उसके टॉप पेज पर जाना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे स्क्रॉल करेंगे टॉप पेज पर पहुँच जाएंगे, साइड में देखना चाहते हैं तो साइड में देख कर लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के अकॉर्डिंग होता है। जूम बटन आपको यहाँ मिल जाएगा और व्यू ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जो व्यू बटन आपको बताए थे कि व्यू के अंतर्गत पांच बटन आने वाली हैं व्यू ऑप्शन में, तो ये पांच बटन आपको यहां पर मिल जाएंगे, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने मिल जाएंगी। यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जरूर आप लोग बताइएगा और आप लोगों का अभ्यास होगा इन क्वेश्चंस को देखिएगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केल इन यूजफुल टू क्विकली सेट मार्जिन टैब इंडेट ऑल द अबव, ये क्या इसके आंसर है आप बताइएगा। मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट न्यू, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया, कैसे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, उसके बाद कैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे सेवेज करेंगे, सारी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे कैसे वर्क करेंगे, अब प्रोटेक्टिंग या डॉक्यूमेंट्स पे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये चीज़ें हमको आपको बतानी है। सिंपली आपको करना क्या होगा, 2007 में ऑफिस बटन पर जाना होगा, सेवेज पर जाना होगा, फाइल को सेव कर लेना होगा, ठीक। सेवेज करके अब आपको बताते हैं फिर क्या करना होगा, आपको जनरल ऑप्शन पर जाना होगा, जैसे आपको प्रोटेक्ट करना है फाइल को जनरल ऑप्शन पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे, डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड को मॉडिफाई करना होगा, पासवर्ड टू ओपन बॉक्स, और आप लोग देख पा रहे हैं पासवर्ड इन ओपन बॉक्स में आपको एक अपना पासवर्ड डाल देना होगा, इंक्लूड कर देना होगा, जो कि 15 करेक्टर का आपका पासवर्ड लगाया जाएगा, सेंसिटिव लेटर्स, नंबर्स, स्पेस एंड सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आपकी पासवर्ड होती हैं, ठीक। 15 करेक्टर तक आप पासवर्ड लगा सकते हैं और जो कि सेंसिटिव और लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेस होंगे और सिंबल्स होंगे, एज यू टाइप द पासवर्ड वर्ड डिस्प्ले एंड एस्ट्रिक, और इस तरह से आपको वर्ड डिस्प्ले पर एस्ट्रिक जो कि स्टार टाइप को दिखेगा, फॉर ईच करेक्टर यू टाइप, जितने भी करेक्टर आप लोग टाइप करेंगे, जैसे कि पासवर्ड आप लोगों को पता होगा नॉर्मली पासवर्ड जैसे लगता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से पासवर्ड लगाएंगे, ओके कन्फर्म पासवर्ड क्लिक कर देंगे, और आपको यहाँ पर स्क्रीन भी दिखाई गई है कैसे आप लोग पासवर्ड को लगा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जनरल ऑप्शन पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड ओपन मिलेगा, पासवर्ड डालेंगे, फिर पासवर्ड मॉडिफाई मिलेगा, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, मॉडिफाई सिक्योरिटी आपकी लग जाएगी, ठीक, ओके कर देंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एक्सेस रीड ओनली, तो ये बताया जा रहा है कि केवल ऐसा पासवर्ड लगाएं कि केवल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है लेकिन उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, तो सेम पोजीशन ऐसे ही है, पासवर्ड आपको यहाँ पर लगा सकते हैं, सेम यहाँ पर बताया गया है, ठीक। ये आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइंड डॉक्यूमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिंट करेंगे इसके बारे में आपको नहीं बताया, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं व्हाइल प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट्स यू हैव फॉलोइंग ऑप्शन इन प्रिंटिंग डायलॉग्स बॉक्स, आपको प्रिंटिंग डायलॉग्स बॉक्स कैसे मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। नेम ऑफ द प्रिंटर, यू हैव मोर देन वन प्रिंटर्स, एक से अधिक प्रिंटर्स होंगे तो आपको प्रिंटर प्रिंटर का नेम चूज करना होगा। चूज पेपर साइज और इंटेंशन, चूज पेपर साइज जो होती है उसको आपको चूज करना होगा किस साइज का आपका पेपर होना चाहिए। और प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट्स ओनली करेंट पेज और स्पेसिफिक पेज, एक पेज करना चाहते हैं अदर पेज करना चाहते हैं ढेर सारे पेज। प्रिंट अ ड्राफ्ट कॉपी व्हिच ओमिनेट्स ग्राफिक्स टू अलाउ फास्टर प्रिंटिंग, और आपको अलाउ करना होगा फास्टर प्रिंटिंग पर। आप लोग देख पा रहे हैं इस कुछ इस तरह का होगा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है नेम और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा पेज ऑफ रेंज ऑल होगा या पेजेस होगा, कितने पेजेस होंगे, किस साइज का आपका पेज होगा, एक पेज करना है या दो पेज करना है, कैसे करना है यहाँ पर बताया गया है ठीक। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर ओके कर देंगे, आप देख पा रहे हैं पेज पर सीट यहाँ पर बताया गया है। ऐसे करके आप लोग आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट सिंपली ऑफिस बटन पर जाएंगे, फिर प्रिंट पर जाएंगे, वहाँ पर ऑफिस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ना आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद ओके कर देंगे आपका पेज प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट ऑन डिफरेंट पेपर साइज, डिफरेंट पेपर साइज पर कैसे प्रिंट करेंगे ये सेम चीज़ें हैं। प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल पेजेस कैसे आप लोग पेज कर सकते हैं। एग्जिटिंग वर्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम से कैसे एग्जिट आएंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ऑफिस बटन पर जाएंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, आप एग्जिट पर आ जाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज दी गई, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग शॉर्टकट की जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज दी गई हैं, एमएस वर्ड से बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपसे पूछी भी जाती हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कितने सारे शॉर्टकट कीज दी गई हैं ठीक, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। एक बुक हमने अपलोड कर दी है इसकी, आप लोग बुक जरूर देख लीजिएगा और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी नेक्स्ट चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।